माफिया अतीक अहमद की माफिया गिरी भले ही अब खत्म हो चुकी है, लेकिन जितना भी लोगों को उसने सताया था वो अब धीरे धीरे अपनी कहानी सुना रहे हैं कि कैसे अतीक ने उन्हें परेशान किया, उनकी जमीन हड़पी। ऐसी कई कहानियां हैं जिनका चैप्टर अतीक के जाने के बाद अब धीरे धीरे खुल रहा है। इसी बीच अब खबर है कि योगी सरकार अब अतीक के सताए लोगों को इंसाफ दिलाएगी। कैसे, चलिए आपको भी बताते हैं। माफिया अतीक ने अपने राज में बहुत दादागिरी की है। किसी की जमीन हड़पना तो उसके लिए आम बात थी, लेकिन अब जब उसका अस्तित्व ही मिट गया है तो वो सारी जमीन अब उन लोगों को वापस मिल जाएगी जिनकी है। जी हाँ, माफिया अतीक अहमद के द्वारा कब्जा की गई जमीनें पीड़ितों को लौटाई जा सकती हैं। ऐसा फैसला योगी सरकार जल्द ले सकती है। यानी अब साफ तौर पर सीएम योगी उन लोगों के साथ इंसाफ कर रहे हैं जिनकी जमीन अतीक ने हड़प ली थी। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार अब इस पर मंथन कर रही है कि उन लोगों को जमीन लौटाई जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक खास आयोग का गठन करेगी जिसकी रिपोर्ट पर कब्जा की गई जमीनों को लौटाने का निर्णय लिया जाएगा। बता दें, अतीक और उसके भाई अशरफ ने प्रयागराज के अलावा और भी कई शहरों में दबंगई करके जमीन पर कब्जा कर लिया था और फिर उसे औने पौने दाम में लोगों से ले लिया था। और इन्हीं जमीनों को चिन्हित किया जाएगा और फिर उन लोगों को वापस लौटाने पर विचार किया जाएगा। अभी ऐसा विचार किया जा रहा है और योगी सरकार इस पर जल्द ही फैसला ले सकती है। अचानक से योगी सरकार इस पर इसलिए सोच रही है क्योंकि अतीक के मरने के बाद अतीक के जुल्मों के पीड़ितों की संख्या अचानक बढ़ गई है और वो पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। अभी 13 अप्रैल के बाद से ही यूपी प्रशासन ने एक आंकड़ा जारी किया था जो दिखाता है कि अतीक अहमद ने डरा धमका कर कितनी संपत्ति जमा कर ली थी। सरकारी आंकड़ों में ये सामने आया है कि 13 अप्रैल को अतीक अहमद से करीब 1169 करोड़ की अवैध संपत्तियां मुक्त कराई जा चुकी हैं। और यूपी सरकार की ओर से जो डेटा जारी किया गया था उसके मुताबिक प्रशासन ने अतीक अहमद की 417 करोड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में लिया है, जबकि करीब 752 करोड़ रुपए के अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया है। कुल मिलाकर अब तक 1169 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा हो चुका है। तो कुछ इस तरह से अब योगी सरकार अतीक के सताए लोगों को इंसाफ दिलाएगी। फिलहाल सुनिए सीएम योगी का दमदार भाषण। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 264 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ, एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है, वो स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता, कोई नहीं डरा धमका सकता। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग फोर लेन के साथ जोड़ चुके हैं।